आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार या न्यूटन के शीतलन के नियम के आधार पर हम लोग उसके न्यूमेरिकल के बारे में सीखेंगे। कह रहा हमारा क्वेश्चन, ए बॉडी टेक्स 8 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट इट्स टेम्परेचर इन द नेक्स्ट 8 मिनट्स इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि ए बॉडी टेक्स 8 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। एक वस्तु 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 8 मिनट का समय लेती है। कैलकुलेट इट्स टेम्परेचर इन द नेक्स्ट 8 मिनट, तो अगले 8 मिनट में इसका ताप क्या होगा इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि वातावरण का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। कर रहा है इसको बनाने के लिए पिछली कक्षा में हम लोग न्यूटन के शीतलन के नियम पढ़े थे, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। कर रहा है लिखेंगे फॉर फर्स्ट 8 मिनट, फॉर फर्स्ट 8 मिनट थीटा वन इक्वल टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा टू इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा सराउंडिंग्स का टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमारा कहता है थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टी, और हमारा दिया हुआ है इसमें टाइम जो दिया हुआ है हमारा 8 मिनट इज इक्वल टू माइनस के थीटा वन प्लस थीटा टू बाय टू माइनस थीटा। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन के शीतलन के नियम में, या ये जो थीटा वन थीटा टू है हमारा प्रारंभिक और अंतिम ताप है। थीटा वन हमारा दिया हुआ है 70 माइनस 60, टी वन हमारा दिया हुआ है 8 इज इक्वल टू माइनस के 70 प्लस 60 बाय टू माइनस थीटा हमारा दिया हुआ है 25। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा 70 में से 60 जाएगा तो हमारा बचेगा 10 बाय 8 इज इक्वल टू माइनस के, इसको अगर जोड़ेंगे तो 70 और 60 हमारा आ जाएगा 130। 130 में 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ होगा 130 बाय 2 माइनस 25। अब इसको अगर और सॉल्यूशन कर दे हम लोग तो हमारा हो जाएगा, ये होगा हमारा 10 बाय 8 इज इक्वल टू माइनस के, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 65। 65 माइनस 25 होगा हमारा 10 बाय 8 इक्वल टू माइनस के, 65 में से 25 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 40।
ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हमारा कि नेक्स्ट 8 मिनट में टेम्परेचर क्या होगा, तो लेंगे हम लोग लेट लेट नेक्स्ट 8 मिनट टेम्परेचर, 8 मिनट टेम्परेचर इज एक्स, देन पहले हमारा क्या था 70 से 60 आया हमारा 70 to 60। अब क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट 8 मिनट के लिए हमारा आ जाएगा थीटा वन हमारा आ जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, थीटा टू हमारा होगा जो हम लोग माने हैं एक्स डिग्री सेंटीग्रेड, और थीटा हमारा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम हमारा टी दिया हुआ है 8 मिनट। अब फिर हम लोग न्यूटन्स लॉ फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहां पर करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्या कह रहा है हमारा थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू माइनस थीटा, सेम फॉर्मूला हमारा यूज हुआ। अब हम लोग थीटा वन देंगे यहां पर 60 माइनस x बाई 8 इज इक्वल टू माइनस के 60 प्लस x बाई 2 -25। ये हमारा हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 60 माइनस x बाई 8 इक्वल टू माइनस के 60 प्लस x माइनस 50 बाई 2। इसका एलसीएम लेंगे हमारा हो जाएगा 60 माइनस x बाई 8 इज इक्वल टू माइनस के 10 प्लस x बाई 2। ये हमारा इक्वेशन टू। अब कह रहा है डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय टू वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग टू से डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है 8 बाई 10 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 40। इक्वेशन सेकेंड हमारा है 60 माइनस x बाई 8 इज इक्वल टू हमारा ये बीच में आ जाएगा माइनस के 10 प्लस x बाई 2। ये हमारा माइनस माइनस कैंसिल है, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 10 बाई 60 माइनस x इज इक्वल टू 40 बाई 10 प्लस x बाई 2। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो सॉल्यूशन आएगा हमारा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हम लोग इस पहले इधर सॉल्यूशन कर लेते हैं 10 बाई 60 माइनस x इज इक्वल टू
40 मल्टीप्लाई टू बाई 10 प्लस एक्स, ये शून्य से ये शून्य हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बाई 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 बाई 10 प्लस एक्स। इससे हम लोग निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू जाएगा 60 में हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करना था 480 माइनस 8x, 8x हमारा इधर आएगा और 10 हमारा उधर जाएगा, तो x प्लस 8x इज इक्वल टू 480 माइनस 10, 9x इज इक्वल टू 470। अब हमारा x इज इक्वल टू आएगा 470 बाय 9, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो 470 को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 4, 9 से डिवाइड करते हैं 479 में आ जाएगा 5, 59 जा हो जाएगा 45, ये 2, 5, 2 जा 18 पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा 52.2 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहा है। जो हमारा नेक्स्ट जो टेम्परेचर होगा वो आएगा हमारा 52.2 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।